हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजर्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कंज्यूमर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उसके राइट्स क्या हैं। सो कंज्यूमर की एक्सप्लोइटेशन होती है, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, वो सेलर हैं, वो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, एक्सप्लोइटेशन करते हैं कंज्यूमर्स का, उनके साथ मिस सेलिंग करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट वो दिखाते हैं वैसा वो सेल नहीं करते, या फिर उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं होता, जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। सो ये सब क्या है, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लोइटेशन होती है, और कंज्यूमर को एक्सप्लोइटेशन से बचाने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज मेजर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। सो लेट स्टार्ट विद मीनिंग। द कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग इन अ मार्केट, बट दिस इज मैटर फॉर थ्योरी एंड नॉट अ फैक्ट इन इंडिया। कि हम हमेशा बोलते हैं कि कंज्यूमर क्या है, मार्केट का किंग है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन्हीं के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, और कंज्यूमर ही उसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, यानी कि कंज्यूमर को हम ऐसे बोलते तो हैं कि वो किंग है, यानी कि कंज्यूमर सवर्जिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ थ्योरी के नाम पे इंडिया में है। लेकिन अगर हम फैक्ट पे देखें, यानी कि ट्रुथ में, हम रियलिटी में अगर देखें, तो उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। रियलिटी में कंज्यूमर को किंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, पर्टिकुलरली इन इंडिया की अगर हम बात करें तो। सिर्फ थ्योरी में, बुक्स में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट, बट रियलिटी में उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है, उनके साथ फ्रॉड होते हैं, एक्सप्लोइटेशन होती है। कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन हैज़ ऑलवेज बीन देयर, यानी कि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि कंज्यूमर न्यूली एक्सप्लोइट होना स्टार्ट हुए हैं। जो ट्रेडिशनली, यानी कि शुरुआत से ही कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन है, प्रेजेंट है, और उसकी एक्सप्लोइटेशन होती आ रही है। इवन इतने लॉज बन चुके, इतने बिल पास होने के बाद भी कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन क्या है, अब भी होता है। ऑल पॉसिबल मीडिया ऑफ पब्लिसिटी सच एज एडवर्टाइजमेंट एंड न्यूज़पेपर आर यूज टू इन्फ्लुएंस एंड परसुएड द कंज्यूमर, ओनली मोटिव ऑफ बिजनेसमैन इज टू मेक प्रॉफिट। यानी कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उनका मेन जो रीजन है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बिहाइंड क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। यानी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पब्लिसिटी की जाती है, फॉर एग्जांपल आप टीवी देखते हो, यूट्यूब चलाते हो, सो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो क्यों आती है, ताकि आप कंज्यूमर्स को परसुएड कर सको, अपना कंज्यूमर बेस इंक्रीज कर सको, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज कर सको, कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे और उसे वो परचेज करेंगे। और कई जो हमारी एड्स हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट, वो क्यों बनाई जाती हैं, मीन्स उनका यूज ना होते हुए भी वो इतनी अच्छे से बनाई जाती हैं, इतना अच्छा उन्हें लुक दिया जाता है कि कंज्यूमर्स को अगर नीड नहीं भी है तो भी वो क्या करते, उसे परचेज करने का डिजायर रखते हैं। सो ये सब क्या है, ये कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन के अंदर ही आता है, कि जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं या सेलर हैं, वो किस चीज पे फोकस नहीं करते, कंज्यूमर को राइट प्रोवाइड करने पे नहीं, वो किस चीज पे फोकस करते हैं, कि उनका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाए मार्केट में, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो, और इस वजह से वो क्या करते हैं, कंज्यूमर की एक्सप्लोइटेशन करते हैं। यानी कि जो सेलर हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं। The consumer exploitation in a country, the government of India has brought number of statutory regulations and other measures to protect consumer. कि government of India ने क्या किया, कि consumer protection provide करने के लिए, consumers को fraud से बचाने के लिए, exploitation से बचाने के लिए various laws बनाए हैं। Constitution में बहुत से laws हैं, act हैं, consumers को क्या protection provide करने के लिए, और वही हमारे क्या है, measures of consumer protection in India। यानी कि ये measures हैं, ये mechanism हैं जो use किए जाते हैं consumer को protection provide करने के लिए इंडिया में। द इम्पोर्टेंट वंस मे बी मैंशनड हियर, यानी कि जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि लॉज बना रखे हैं, स्टैचुटरी लॉ हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो आज हम डिस्कस करेंगे। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि एक एक्ट भी बना रखा है, लॉज के अलावा हमारा एक पर्टिकुलर सिर्फ कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ही एक एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देन मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, कोर्ट आ जाते हैं, फोरम्स आ जाती हैं, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, यानी कि ऐसे डिफरेंट लॉ जो बनाए गए हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैकेनिज्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनको हमें अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड सेवरल एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट की, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत से एक्ट पास किए हैं, और उसी में से कुछ हमारे क्या आते हैं,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो उसमें फर्स्ट हमारा क्या है, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि ये जो आपका एक्ट है वो किस चीज से रिलेट करता है, आपके जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि फार्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937। यानी कि ये कब बनाया गया था, 1937 में। The Act was passed for grading and marketing of agriculture produce. यानी कि अगर हमने डिस्कस किया है, अगर आपने अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें क्या है कि कंज्यूमर के जो भी एक्सप्लोटेशन होता है उसमें क्या कि उन्हें खराब क्वालिटी के गुड प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड होती है यानी कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की अगर आपको क्वालिटी देखनी है, अगर ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो उस पे आपको क्या करना चाहिए, एग मार्क चेक करना चाहिए, एग मार्क सर्टिफिकेशन दे दी गई। यानी कि जब भी आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदो तो उस पे हमेशा आपको एग मार्क चेक करना चाहिए, जो एक वेरिफिकेशन है जो ये शो करता है कि हाँ ये गुड क्या है, क्वालिटेटिव है, इसमें कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट इंक्लूड नहीं है। The Act was passed for grading and marketing, यानी कि उसकी marketing के लिए, उसकी grading के लिए provide किया गया था कि ये दिखाना कि उसके standard क्या है, Eggmark certification which ensure the quality and standard of a product। और उसमें हमने क्या launch किया था, Eggmark certification, यानी कि Eggmark की verification होनी चाहिए, जब हमारे product पे Eggmark होगा तभी हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो है qualitative product है। This Act provide penalties for unauthorized marketing and misgraded articles, यानी कि अगर कोई अपना खुद का ही mark बना देता है, Eggmark जैसा नकली मार्क कोई छापता है तो उसको क्या है, पेनल्टीज, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लगेगा। सो अगर कोई भी एगमार्क के एक्ट को फॉलो नहीं करता तो उसको क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट दी जाती है। सो एगमार्क का एक्ट किसके लिए है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। देन सेकेंड एक्ट है द एनवायरमेंट एक्ट 1986, कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नेशंस डेवलप हो रहे हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनवायरमेंट का भी एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, हमारी जो एनवायरमेंट की नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड की गई हैं उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। द डिक्लाइन इन द एनवायरमेंट क्वालिटी हैज़ बीन एविडेंस्ड बाय इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, द वर्ल्ड कम्युनिटी रिजोल्व द प्रोटेक्ट एंड एनहांस द एनवायरमेंट क्वालिटी। यानी कि जो भी हम देखते हैं कि पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता रहता है और दिवाली के टाइम पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के साथ डिग्रेड, हमारी एनवायरनमेंट क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसके केमिकल को भी कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, एनवायरनमेंट में किया जाता है, उनसे जो भी मीन्स धुआं वगैरह निकलता है वो भी हमारी एनवायरनमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। सो हमारी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए जब हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया वो है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हमारा जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमसे कैसे रिलेट करता है, क्योंकि हमें रहना तो एनवायरनमेंट में ही है, हम क्या है, हमें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिलती है, हमें फूड एनवायरनमेंट से मिलता है, सो एनवायरनमेंट का सेफ होना, सिक्योर होना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है और हर वे में हर कोई कंज्यूमर है। तो इस इन दिस काइंड की अगर हम इस तरीके से देखें तो ये काइंड ऑफ कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हो तभी आप ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट आया था को हम बोलते हैं द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एज देयर वाज अ नीड ऑफ अथॉरिटी व्हिच कैन अज्यूम टू लीड अ रोल ऑफ स्टडिंग, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट सेफ्टी। और इस एक्ट में क्या डिफाइन किया गया कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा कि हमारे लिए एनवायरनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, फूड कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमें एनवायरनमेंट को क्या सेफ रखना चाहिए, उसे डिग्रेड नहीं करना चाहिए, एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो स्टडीज में, जो आपकी यूनिवर्सिटी में स्टडी होती है, स्कूल लेवल पे होते हैं, उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स ऐड कर दिए गए थे। देन द एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट जो है वो पर्टिकुलराइज क्या है, एयर पोल्यूशन से रिलेट करता है, यानी कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और एयर की सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा एक्ट आया था वो है एयर एक्ट 1981। दिस एक्ट पास्ड टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेंडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा एयर एक्ट आया था। इसमें क्या था कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो भी मीन्स एयर को कंटेमिनेट
डोमिनेट करती हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उनका जो भी स्मोक होता है, उनका धुआं होता है, सो ये देखा जाएगा कि वो एयर को कितना पोल्यूट कर रही है, उस हिसाब से उन्हें एक कंट्रोल लिमिट दी जाती है। अगर वो उसे एक्सीड करती है तो उन पे पेनल्टीज भी लगती है और कई बार तो उनका क्या कर देते हैं, उनके कंपनी को बंद ही करना पड़ता है, डिजोल्व ही करना पड़ता है। सो ये सब क्या है हमारी एयर प्रोटेक्शन के लिए। देन द वोटर एक्ट 1974। वोटर एक्ट पर्टिकुलराइज किसके लिए है, हमारे वोटर पोल्यूशन को, बिकॉज वोटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ वोटर पे ही डिपेंड करती है। सो इन द प्रीमेबल इट सेल्फ इट इज स्टेटेड दैट दिस एक्ट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वोटर पोल्यूशन, यानी कि वोटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो प्रोवाइड किया गया है उसको हम बोलते हैं द वोटर एक्ट 1974। इसमें भी जैसे हम एयर एक्ट में इंडस्ट्रीज का देखते थे एक लिमिट प्रोवाइड करते थे, वैसे ही वोटर पोल्यूशन में भी एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है कि इतना ही आप क्या कर सकते हो, केमिकल्स को रिलीज कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर वो करती हैं तो उन्हें पेनल्टीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और पनिशमेंट दी जाती है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज का मतलब क्या है, कि मैजिक रेमेडीज का मतलब है कि मिरेकल्स काइंड, कि आपको ऐसा लगता है आप उसके लिए प्रॉपर क्या नहीं ले रहे, कोई भी मेडिसिंस नहीं ले रहे, कोई भी डायग्नोसिस फॉलो नहीं कर रहे हो, उसमें क्या है आपको मैजिकल ट्रीटमेंट का भरोसा दिया जाता है, आपको ये ट्रस्ट दिलाया जाता है कि जो है मैजिकल ट्रीटमेंट से आपकी जो डिजीज है वो ठीक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि कुछ मंत्र वगैरह का यूज करना, कवच प्रोवाइड कराना, कोई धागा प्रोवाइड करना, इसके बेस पे क्या कहा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंगली आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, कुछ टाइम बाद आपकी जो डिजीज है वो ठीक हो जाएंगी। सो इसके ये जो है ये हमारे मीन्स स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ है कि हम इस पे बिलीव करते हैं और ये हमारा क्या है इतना सुपरस्टिशियस हो गए हैं लोग कि वो बिलीव कर लेते हैं मैजिक रेमेडीज पे। सो उसके लिए हमारे क्या है गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मैजिक रेमेडीज अगर फ्रॉड करते हैं मैजिक रेमेडीज की फॉर्म में तो वो पनिशेबल होंगे। सिमिलरली कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते ऐसी मैजिक रेमेडीज की। इट इंक्लूड द मंत्र, कवच एंड थिंग ऑफ काइंड विच पोजेस मिरेशलेस पावर इन द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल, यानी कि ह्यूमन बींग और एनिमल को डायग्नोज करने के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, उन्हें ठीक करने के लिए जो हम मैजिक रेमेडीज का यूज करते हैं उससे रिलेट ये करता है। लेकिन अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उसके लिए आपको क्या वो पनिशेबल होंगे। द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। डेंजरस ड्रग क्या होती है, जो भी ये कोकीन होता है, जो भी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, जो मेडिसिन के अलावा पीपल लेते हैं, जो भी पर्सन ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डेंजरस ड्रग। दिस एक्ट वॉज मेड विद अ व्यू टू कंट्रोल ऑपरेशन रिलेटिंग टू द डेंजरस ड्रग। इट प्रोहिबिट, अब हमने सुना होगा कि जो हमारे जो ड्रग्स लेना है ये सब क्या है हमारे लिए बैन है, अगर कोई ये लेता है तो वो पनिशेबल होगा, उसका क्या होगा कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। सो ये सब क्या है कि डेंजरस ड्रग्स के लिए एक्ट बना था कि आप डेंजरस ड्रग को कंज्यूम नहीं कर सकते हो, और इसीलिए जो है इंडिया में कोका प्लांट जो होती है उसकी जो ग्रोथ थी वो भी क्या कर दी थी, बैन कर दिया गया था, उसकी कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया था। दोज हु डिसओबे द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर पनिशेबल, जो भी उसको डिसओबे करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते, उनको पनिशमेंट दी जाती है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे हमारी एक वीडियो भी है पर्टिकुलर। सो उसमें क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस सिर के रिगार्डिंग है, जो भी आप डीलिंग करते हो उसके बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपके पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सो उन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करना है उससे रिगार्डिंग जो भी एक्ट बना है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, उसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस लॉ एंटर्ड इन टू द पार्टीज इधर ओरली इन रिटर्न, यानी कि जब भी आप दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो वो ओरली होना चाहिए या रिटर्न में होना चाहिए, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या गिवन है कि जब तक दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं होगा, यानी कि दोनों पार्टीज की तरफ से येस नहीं होगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जब दोनों पार्टीज कंसेंट दे देती है, हाँ भर देती है कि हाँ उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना है या फिर हाँ उन्हें ये एग्रीमेंट करना है, तभी हमारा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। कोई भी आपको प्रेशर करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि आपसे जो है आपकी जो लैंड है वो ट्रांसफर करा लेता है अपने नाम पे, अगर वो प्रेशराइज की जाती है, आपको प्रेशर करके ट्रांसफर किया जाता है, कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो वो वैलिड नहीं होता है, वो इनवैलिड होता है। जब तक कंसेंट दोनों पार्टीज का नहीं होता तब तक वो वैलिड नहीं होता। देन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, यानी कि हर
एक हमारा जो राइट है, एक इंडिविजुअल के जब राइट की हम डिस्कस करते हैं बात, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी राइट्स में एक हमारा राइट आता है कि एसेंशियल कमोडिटी हमें मिलनी चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी में क्या आता है कि आपको खाने को मिले, पहनने को मिले, रहने को मिले, ये आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू सिक्योर अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट फेयर प्राइजेस सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक के जो पुअर पर्सन भी हैं उनको भी कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल हो, यानी कि उनको कुछ रहने के लिए जगह अवेलेबल हो, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ पहनने के लिए चीजें अवेलेबल हो, एसेंशियल कमोडिटी उन्हें मिल जाए जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग जो एक्ट है उसको हम बोलते हैं द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है। अनलेस दीज एसेंशियल कमोडिटीज आर मेड अवेलेबल टू पब्लिक देयर विल बी अ अनरेस्ट इन द सोसाइटी, कि अगर हम अपनी जो पब्लिक है उसे एसेंशियल कमोडिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं सोसाइटी में अनरेस्ट की सिचुएशन आ जाती है। सो सोसाइटी में अनरेस्ट की सिचुएशन ना आए इसीलिए हमारा एक्ट बनाया गया था द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। देन प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, दिस एक्ट हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू एंश्योर सेफ गुड फूड आर्टिकल्स एंड प्रिजर्व गुड हेल्थ ऑफ पीपल, यानी कि फूड के अंदर जो अडल्ट्रेशन होती है, अडल्ट्रेशन क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी के अंदर इन्फीरियर क्वालिटी जब ऐड कर दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं अडल्ट्रेशन, यानी कि मिक्स कर देना एक खराब क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी के अंदर, जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, सो ये क्या है, ये एक फूड अडल्ट्रेशन है। दिवाली के टाइम फूड जो हमारी स्वीट्स होती हैं उनमें क्या है अडल्ट्रेशन होता है, तो हमारे जो भी अडल्ट्रेशन करेगा वो पनिशेबल होगा, उसी के लिए एक्ट बनाया गया था द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जो किससे प्रोटेक्ट करता है फूड अडल्ट्रेशन से। सम अदर एक्ट्स, इसके अलावा और कौन से एक्ट हैं, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, यानी कि जो भी आपकी सेल होती है उससे रिगार्डिंग जो प्रोविजन कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट 1952, यानी कि जो भी हर चीज की क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, सो क्वालिटी डिफाइन करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट का यूज किया जाता है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ही। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी का जो एक्ट है 1992, यानी कि जो भी ऑनलाइन जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, इश्यू होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनकी इश्यू, इनकी जो डीलिंग होती है उसके लिए जो एक्ट है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि ये हर किसी का राइट है, वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहता है तो आरटीआई नहीं बोलते कि आप आरटीआई डाल सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।